मोक्ष मार्गस्य नेतारं दितारं कर्म भूग्रतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लभे। कर्म सिद्धांत बड़ी गहराई से हम समझ रहे हैं और कर्म सिद्धांत का जो एक प्रारंभिक कारण था कि किन किन कारणों से बंधन होता है, तो कल हमने मिथ्यात्व के 5 कारणों में अज्ञान मिथ्यात्व पर चर्चा की और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे की थी कि हमें अपने आजू बाजू ज्ञान का वातावरण बनाना चाहिए। अज्ञान को एप्रिशिएशन नहीं मिले, कषायों को एप्रिशिएशन नहीं मिले, भोग विलास को एप्रिशिएशन ना मिले, मात्र और मात्र ज्ञान को एप्रिशिएशन मिले। और उसके लिए जरूरी ये है कि हम उसकी चर्चा करें, ऐसी परिस्थिति बनाएं कि लोग उसकी चर्चा करें और जो भी ज्ञान की बातें कर रहा हो तो उसको तारीफ करते हुए, अप्रिसिएट करते हुए एक्सपेक्टेशन ना डालते। बराबर, ये कुछ त्रिपुटी जैसी कल थी जिस पर कल हमने डिस्कशन किया था कि ज्ञान का एप्रिसिएशन दें, ज्ञान के स्कोप क्रिएट करें और साथ ही साथ ज्ञान पर एक्सपेक्टेशन का बोझ ना, अपने ज्ञान पर भी और अन्य के ज्ञान पर, क्योंकि ज्ञान तो एक प्रोग्राम के जैसा है। आपके पास में जैसे पैसा हो, आप गाड़ी लेकर आ गए, कंप्यूटर लेकर आ गए, लेकिन जो जीवन है ना वो ट्रेनिंग जैसा है। आप कंप्यूटर लेके आ गए बराबर है, लेकिन चलाना एक दिन में नहीं आ जाएगा। गाड़ी आप लेकर आ गए लेकिन चलाना नहीं आए, उसमें क्या लगता है, अपना टाइम। तो ज्ञान को आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखें, अचीवमेंट के तौर पर नहीं। क्या बोला, आई कि नहीं ये बात समझ में? ज्ञान क्या है, एक प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट, अचीवमेंट नहीं। जो लोग ज्ञान को अचीवमेंट के रूप में गिनते हैं वो लोग बस ज्ञान की फेदर को बताते रहते हैं, देखो मैं इतना बड़ा, मैं इतना पढ़ा, मैं इतना पढ़ा, मेरे आगे डॉक्टर लगा है, पीछे इतनी सारी डिग्रियां लगी हैं, ये पढ़ा वो पढ़ा, बस दुनिया भर की वो फेदर के रूप में उसको गिनाते रहे। भाई ज्ञान इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, अच्छी जगह आपने इन्वेस्ट किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अचीवमेंट नहीं है, रिटर्न अचीवमेंट। समझे कि नहीं समझे? इन्वेस्टमेंट अचीवमेंट नहीं है, रिटर्न अचीवमेंट है। लेकिन जगत में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो ज्ञान की तरफ देखते ही नहीं बराबर, और उन्हें स्वयं ज्ञानी होने में कोई रस नहीं है, लेकिन जो भी ज्ञानी दिखाई दे उनका उनका एनालाइज करने में उन्हें बड़ा रस है। हम तो कुछ नहीं भैया, तुम तो पंडित हो, तुम सब करो, मतलब पंडितों को मुख से जाना और किसी को तो मुख जाने, बराबर समझ में आया? हम तो सामान्य बराबर, अब आप पंडित हो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, अरे भाई हम करेंगे हमारे हिसाब से, तुम तुम्हारे हिसाब से करो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ख्याल में आएगी? ये कॉमन बात कह रहा हूँ, इन बातों का मात्र मेरे से कोई संबंध ऐसा नहीं है। एक जनरल जो प्रोस्पेक्टिव समाज में चलता है वो यही होता है बराबर, कि ज्ञान की बातें जो करता है लोगों की अपेक्षा होती है कि सब वो ही करे, और उन्हें ज्ञान नहीं है तो मतलब सारे काम करने की छूट उन्हें मिल जाए। ऐसा किसने बोल दिया, कौन से न्याय से ये बात सही? तो जिनको ज्ञान नहीं है उनको दूसरे को सुधारने की बजाय सबसे पहले ज्ञान अर्जन का उपाय करना चाहिए, और जिनको ज्ञान है उसको उसको अचीवमेंट के रूप में बताने की बजाय इन्वेस्टमेंट के द्वारा अधिकतम लाभ आत्मज्ञान का लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं लगता ये दो काम जन दुनिया कर ले तो कितने संतुलित हो जाए व्यवस्था? सिर्फ दो ही तो करना है ना। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है वो पहले नंबर ज्ञान अर्जन पे जो
एक बात, और दूसरे की टीका टिप्पणियों पे नहीं, और जिनको ज्ञान है वो ज्ञान के माध्यम से आत्मोद्धार और आत्म परिष्कार पर जुट है। अपना अपना काम सब करो ना, और ऐसा थोड़ी ज्ञानी हमेशा ज्ञानी रहता है, ज्ञानी भी लगातार सीखता रहता है और सीख कर और उद्धार अपना करते रहता है। ऐसे करते करते ही प्रत्येक जीव का सुधार होता है, हमें उस चीज को समझना चाहिए। और ये तीन बातें जो मैंने बोली, कभी मतलब लोग क्या है, जानते कुछ नहीं है लेकिन जानने की इच्छा नहीं है, इसीलिए कोई ज्ञान की बात शुरू करे तो उसे तुरंत फुल स्टॉप करने के लिए, अब ने आवड़े तेरे कुछ और होते, हाँ ठीक है लेकिन अभी ये समय अच्छा नहीं थोड़ा बात करने के लिए। मतलब मैंने देखा है कि लोग घुमा देते बराबर, और पाप की बातें करने का कोई समय उन्होंने नक्की नहीं किया, कुछ भी बातें पे करेंगे, लेकिन धर्म की बातों का समय नक्की करके रखा है, स्थान नक्की करके रखा है, माहौल होना चाहिए, ये होना चाहिए, और कुल मिला के इतनी सारी चीजें जोड़ दी कि वो कभी होता नहीं और जीवन में वो चर्चा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक जीवन का बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है जिसे हमें सुधारना चाहिए। ठीक है, अज्ञानता, जैसे कल मैंने वाक्य बोला था, अज्ञानता कोई कवच नहीं है और ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। आप अज्ञानता के कवच में पाप करोगे और भूल में रहोगे कि भगवान दो भूल से किए हुए पापों को माफ कर देता है, तो मैं कहूंगा अगर भगवान होता माफ करने वाला तो शायद कर भी देता, लेकिन कर्म है वो तो सुनते ही नहीं बेचारे, उनमें तो ज्ञान ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता करेगा कि तुमने भूल से किया कि कुछ किया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं आपको बात बताऊं, हम छोटे थे ना छोटे, तब मम्मी और मेरे बच्चे बीच वाले भाई मस्ती कर रहे थे बराबर, और मस्ती करते करते हद से ज्यादा मस्ती हो गई, तो मम्मी कहती कि बहुत मस्ती करते हो, लाओ और चाकू से तुम दोनों के हाथ ही काट देते बराबर। दोनों के हाथ लिटरली बांध दिए और ऐसे करके चाकू लेकर आई, और एक आध बार ही चलाया, फिर देखा अरे ये तो सीधे साइड चलता है, तुरंत तो घुमा के फिर ऐसे ऐसे करने लगे सीधी साइड धार वाली साइड होती है, दूसरी साइड भूतरी को हम क्या कहते हैं उसे, बूटी हुई, तो पहला हम करो पछी आ रहा तो राइट साइड से, तो पाछी कही दी थी हम परे पछी हम ऊपर वाला। तो ये तो माँ थी जो तेज धार को घुमा दिया, लेकिन उस माँ की बजाय कोई मशीन होती तो, और तेज धार में आपकी उंगली जाती तो वो रुकती नहीं। बस कर्म यही बताना चाहता, अगर हिसाब किताब रखने वाला कोई माया परमात्मा होता तो ये जरूर होता कि आप पाप करो और फल ना भोगना पड़े, अज्ञानता चल जाती। लेकिन यहाँ कोई माँ या परमात्मा नहीं है, यहाँ तो मशीन। कर्म क्या है? पुद्गल, ना ज्ञान ना शक्ति ना रुचि ना अपना ना पराया, बस सब एक साथ। तो माया परमात्मा होते तो जगत के पाप माफ हो गए होते, लेकिन यहाँ तो ना तो कोई माँ है और ना कोई परमात्मा, यहाँ तो कर्म है, और कर्म की गणित सीधी साफ है, नियत साफ है, उसमें अज्ञानता की माफी की गुंजाइश नहीं। अज्ञानता में भी अगर चाकू के ऊपर हाथ आता है तो उंगली कटती है, अज्ञानता में भी अगर अग्नि में हाथ जाता है तो उंगली जलती है, अज्ञानता में भी अगर किसी गड्ढे पर आप गिरोगे तो चोट लगेगी, अज्ञानता कहीं आपको बचाती नहीं है, तो फिर आप कैसे मान लेते हो कि कर्म बंधन में अज्ञानता आपको बचाती। बहुत सारे लोग 40-50 साल का जीवन जीने के बाद थोड़ी सद्बुद्धि आती है और कहते हैं अरे रे हमें तो पता ही नहीं था इनमें, इसमें पाप ज्यादा बनता है, इससे बंधन होता है, नहीं तो हम नहीं करते। अब क्या होगा अगर आपको पता नहीं, तो क्या वो जो पुराने किए हुए कर्म है वो नहीं भोगोगे? समझ में आया? इसीलिए इस चीज को बहुत गहराई से और गंभीरता से आप समझें, अज्ञानता कोई कवच नहीं है और ज्ञान कोई अचीवमेंट या उपलब्धि नहीं है, ज्ञान इन्वेस्टमेंट है अचीवमेंट नहीं, उससे आपको कुछ पाना है, करने के लिए नहीं करना बराबर। समझ में आएगी? देखो तो ये बात हुई, अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं
और बंधन के कारणों में दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात क्या है जरा देखते हैं। पांच कारण बताए थे ना, कौन कौन से भूल गए होगे, बहुत दिन हो गए ना चर्चा करते करते। चलो बताओ बंधन के पांच कारणों के नाम बोलो। हाँ बोलो दिनेश भाई, बहुत सरस। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, काशानुयोग। बहुत सर, मिथ्यात्व फर्स्ट जिस पर अपन तीन चार दिन से चर्चा कर रहे हैं, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ठीक है ना, बराबर। अब देखो जनरली अपन ने मिथ्यात्व को समझा उल्टी मान्यता के रूप में, अविरति को जनरली समझेंगे तो कैसे समझेंगे, कौन बताएगा अभिरति क्या होती। वैसे अपन ने चर्चा में लिया है खुशी बिन क्या कहलाती है अभिरति, सरल भाषा में कहेंगे तो विरति से विरुद्ध क्या होती है अभिरति, तो कहां से किसको कितना विरक्त होना है बताएंगे। बोलो कहां से किसको कितना विरक्त होना है। विरक्त तो शायद है ही पदार्थों से, लेकिन उसके प्रति जो भाव है राग आदि भाव, उनसे विरक्त होना है। नहीं बात तो सही है, लेकिन ये इनिशियल से आपको बोला, सामान्य रूप से जब चरणानुयोग की भाषा में अविरति को बोला जाता है तो पापों में प्रवृत्ति, बराबर पांच पाप है ना और पांच इंद्री के विषय है, मन के विषय है, उनमें प्रवृत्ति करने को बोलते हैं अविरत, कि तुम्हें जिनसे विरक्त होना था उनसे विरक्त हुए नहीं, तो क्या कहला है अविरत। ओके, और जो उनसे विरक्त हो जाता है उसे कहते हैं विरत। ओके, आ मतलब नथी, विरत इतले जे विरत नथी, जेने व्रत धारण कर्या नथी, जे विमुख थयो नथी, बराबर येसु के वास्ते अविरत, अने जे विमुख थई गयो छे येसु कहेवाय छे विरत। ओके, हवे जे वस्तु तमारा अमारा बधा माटे बंधननुं कारण होय, जे वस्तु आपणा बधा माटे केवी होय बंधननुं कारण होय, तो एनाथी विरत ना थाओ तो बंधन थवानो कि नहीं थवानो, थशे ज, बराबर। एटला माटे मिथ्यात्व पछी बंधननो बीजो कारण शुं छे, विरत, अविरत, बराबर। ए अविरत पणु केटला प्रकारनो होय छे थोड़क समझी, घणी वार चर्चा करेली छे तो पण जो अहींया थी आवे। हा अविरति इंद्रियना विषयो वा प्राणी हिंसाना त्याग ना थवू। એટલે જો ભાઈ પાંચ ઇન્દ્રિય કે વિષય ઓર છ પાંચ ઇન્દ્રિય ઓર મન કે વિષય ઓર છ કાય કી હિંસા, ઠીક હે, ફિર સે ક્યા હે, પાંચ ઇન્દ્રિય ઓર મન કે વિષય ઓર છ કાય કી હિંસા, ઇનસે વિરક્ત નહીં હોના અવિરત, और इनसे विरक्त होना सुविरक्त। देखो थोड़ा समझते हैं, मैंने एक जीवन को जितना मैं समझने की कोशिश की, आप लोग उससे 100% सहमत होंगे कि गलत काम तीन ही गलत काम, कौन कौन से पापों में, एक तो पाप, कषाय और विषय, ठीक है, यही काम है ना जीव के, जो जो जीव को हैरान करते, कौन कौन से तीन बोले, पांच पाप, चार कषाय, मुख्यता से वेद प्रवेद की बात में करेंगे, और पांच इंद्रिय और मन के विषय, हाजी कि ना जी, बराबर ना। अगर हम संसार में अटक रहे तो किसके कारण, दो जगह हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पाप आनंददायक लगते हैं, कषाय आनंददायक लगती हैं, विषय आनंददायक लगते हैं, आत्मा संयम और विरक्तता ये अपने को सुखदायी नहीं लगती,
और अपने जीवन की घड़ामन भी अगर अपन देखेंगे तो पांच इंद्रिय के विषयों के सराउंडिंग ही चलती है। एग्री? बहुत क्लियर है, सच बता रहा हूं। हमारे जीवन की जो भी प्लानिंग चल रही है, जितना भी आजीविका का एफर्ट है, जितना भी लोगों से मिलना जुलना है, जितना भी नए संबंध बनाना है, जो कुछ भी हम करते हैं, अगर ओवरऑल इन सब संबंधों के मूल में जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो क्या? पांच इंद्री के विषय। और मेरा तो उसमें थोड़ा अनुभव है कि एक बार पाप कंटिन्यूअस नहीं होते, लेकिन विषयों की इच्छा कंटिन्यूअस रहती। थोड़ा आप फील करेंगे इस बात, कोई हमेशा हिंसा नहीं करता, कोई हमेशा झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी करने की भी हमेशा नहीं, कोई हमेशा भोग नहीं भोगता, परिग्रह में भी नहीं, लेकिन इसके अंदर में जो निरंतर पड़ी रहती वो क्या है? विषय इच्छा पड़ी हुई होती कि नहीं होती? सोचो आप जरा, सुबह उठते से ही फर्स्ट क्लास नौकारसी थी जाए, विषय इच्छा, पछी सरस मजानो जमवानो थी जाए, विषय इच्छा, पछी मूवी वूवी जोई लईए, खा पी लईए, विषय इच्छा, बद्दी जिज्ञा तमे जुवा जाओ, कौन तमने रात दिवस दौड़ाए छे। सौथी मोटी जे धननी व्यवस्था छे, ए धननी व्यवस्था कल्याण माटे छे कि विषयोनी इच्छाओनी पूर्ति माटे? आटलू समझी लो। आजे 24 कलाक माणस जेनी पाछळ गांडो छे, ए मूल सेनाथी जोड़ायेली छे। लिटरली धन कमाना मात्र मात्र विषय इच्छा के लिए पूरा दुनिया, ये क्या कहें, अर्थशास्त्र इतना हावी हो गया है पूरी दुनिया पर कि बस सुबह शाम इसकी एक ही चिंता होती है। 7-8 बजे घर से निकल रहा है, 10-10 बजे तक घर पे आ रहा है, सुबह उठते से फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। मुंबई जैसी जगह में जाके देखो तो 2-2 घंटे तो लोकल बस में जाते, चाहे लंदन में भी ऐसे ही है, बहुत टाइम लगता है यहाँ से वहां जाने में, वहां से यहाँ आने, बराबर। सब जगह देखोगे क्या कारण है, सब गांव में रहते ना, मुंबई में जितने में तुम रेलवे स्टेशन पहुंचते हो उतने में तो गांव खत्म हो जाता होता कि नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं है? जैसे कई बार जैसे सिलवानी में जाऊं ना, तो सिलवानी में कभी वॉकिंग करने निकलो ना, तो यहाँ से मंदिर जाने में तो ऐसा लगता है कि जैसे बापरे दूसरे गांव में तो नहीं पहुंच गए कहीं, इतना दूर पहुंच जाते हैं, समझ में कि नहीं है? इतना है, लेकिन वो दौड़ा दौड़ी आपाधापी क्यों करना है? धन इच्छा, और धन किसके लिए? विषयों के लिए। धन का और क्या औचित्य मुझे बताओ। कल के दिन कोई ये कहे कि इस धन से तुम अपने मर्जी के विषय नहीं खरीद पाओगे तो कौन पागल होगा जो धन के पीछे दौड़ेगा? मोदी जी ने करवा दी थी नोटबंदी, 2000 का 1000 का नोट, बोले अभी नोट तो रहेगा लेकिन इस नोट से आप अपने अनुसार विषय नहीं खरीद पाओ। अब वो नोट क्या करेगा? वो आपको सुख का कारण बन जाएगा कि दुख का कारण है? समझे? यानी विषय धन जो होता है, धन, वो धन अपने आप में कुछ नहीं, वो धन भी अगर जुड़ा हुआ है तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? विषयों के साथ। अब कितना अच्छा, और ये विषय कितने पराधी, आप सोचो विषय कितने पराधी। एक एक इंद्रिय के विषय के लिए आपको कितना मैनेज करना पड़ता है, आपको जो रोटी खानी है तो रोटी के लिए कितने क्या क्या चीजें लानी पड़ती है, और वो सब तब जब कोई बनाने वाला या बनाने वाला हो या किसी को बनाना आता हो। अगर नहीं आता हो तो बाजू में क्या हालत होगी? सब चीजें रखी है, गैस रखी है, रसोई की सब चीजें रखी है, अब आपको आते ही ना हो तो आप कच्चा आटा थोड़ी खा लो, पराधीन है कि नहीं? टीवी लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ, मोबाइल लेकर आओ, कोई प्रिय व्यक्ति को अपना बनाओ, ये सब पराधीनता के एफर्ट है। विचार करके देखो, कोई भी प्रिय व्यक्ति के साथ में आप रहना चाहते हैं, कितना पराधीन, कितनी आप वो करोगे कि भाई ये मेरे साथ में रहे, लेकिन उसकी अपना जीवन है, तुम्हारा अपना जीवन है, कैसे कोई साथ में रह सकता?
अब वैदेही कई बार कहती है कि पापा मेरे साथ खेलो, अगर मेरे तो क्लास का टाइम हो गया, अब वो कहती है आपका ऐसे ही होता है। ऐसे सब जगह एक इनोसेंट एग्जाम्पल दिया, बाकी तो सारे एग्जाम्पल ऐसे ही। समझे कि नहीं समझे? जगत में एक तो प्रिय खोजना मुश्किल, फिर प्रिय आपका भी प्रिय हो ये मुश्किल, फिर उस प्रिय के साथ बैठने के लिए आपके पास समय हो और उसके पास आपके पास समय हो बराबर, फिर वो आपके साथ में रहे बातें करे, कितना मुश्किल। इसीलिए आचार्यों ने बोला ये सब क्या है, पराधीन। परम प्रिय कौन है? अपनी आत्मा है। उस परम प्रिय आत्मा को खोज, कितना अच्छा होवे कि अगर हम इस पराधीनता से मुक्त हो जाएं और अपने आप से सुखी होने लगे, नहीं लगता गजब हो जाएगा, नहीं लगता चमत्कार हो जाएगा, नहीं लगता किसी पर एक रत्ती पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अपने होने मात्र से अगर मैं खुश होने लगूं, देखो क्या गजब लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर मेरी खुशी, मेरा आनंद मात्र मेरे होने पर डिपेंड हो जाए, जैसा कि सिद्ध भगवान का है, तो नहीं लगता क्रांति हो जाएगी। एक कदम बाहर निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कदम हम इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि वी वॉन्ट टू फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम अदर। और अगर वो चीज हमारे मन में बैठ जाए कि रोगी रहूं, अकेला रहूं, रंक रहूं या चक्रवर्ती रहूं, सुख का जो भी थोड़ा बहुत मेरे अंदर में से प्रकट होता है, उसका प्रागट्य कहां से होता है? अंदर से। बस आपकी सारी खोज खत्म, आपको बाहर जाने का कोई कारण ही नहीं बचा। क्यों जाओगे आप पांच इंद्रिय के विषयों के पास? और तब सहज ही आप उनसे विरक्त हो जाओगे, और उसे कहते हैं विरति। देखो मैं कई बार मजाक के लहजे में एक बात कहता हूं कि सुख का आईपीओ मत निकाल। क्या ये आईपीओ बहुत आ रहे हैं ना आजकल? मेरे ऑफिस में बहुत चर्चा चलती रहती है, आईपीओ आया, आईपीओ आया, आईपीओ। मैं हमेशा एक लाइन बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कई दिनों से, क्या कि सुख का आईपीओ मत, आईपीओ मत निकालो, सुख को मार्केट में मत डालो, सुख आपकी व्यक्तिगत निधि है, इसे तिजोरी में बंद करके रखो, इसे बाहर की हवा मत लगने दो। क्यों भाई? बाहर करोगे तो क्या दिक्कत है? शेयर बाजार के देख देख के आपको क्या होता है, है? बड़ा घटा घटा, बड़ा घटा, बड़ा बड़ा घटा घटा, कितनी तकलीफ, कितना दो है? कल तक कोई हरा हरा देखकर आनंद दे रहा था, एक क्षण में लाल हो जाता है तो आनंद भी चला जाता है, वो लाल होता है या चेहरा लाल हो जाता है, है? बराबर ख्याल में। इसीलिए सुख को दूसरों पर डिपेंड मत करो, सुख आपका अपना है, सुख स्वयं का है। आप आईपीओ निकाल कर उसकी क्या दे देते हो? फ्रेंचाइजी दे देते हो, फिर उसके वो बाहर की हवा लगती है, और बाहर की हवा लगती है तो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, ज्यादा दुखी होते हो। आपके सुख मेरा है, मेरा व्यक्तिगत है, और कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को समझना कि मुझे सुख का आईपीओ नहीं निकालना है, मुझे सुख को नहीं बांटना है। क्यों? क्योंकि मैं उसको वेदन करते करते जब तक तृप्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक उसे बांटूंगा कैसे? बोले पंडित जी बड़े स्वार्थी हो। बोले हम स्वार्थी कहाँ हैं? हमारा थोड़ी है सुख, अकेला तुम्हारा भी है, तुम तुम्हारा करो, सब अपनी अपनी थाली का खाओ ना। ये क्या तरीका हुआ? हम आपको खिलाएं, आप दूसरे को खिलाओ, दूसरा तीसरे को खिलाए, जो ऐसे करते करते सब एक दूसरे को खिलाए तो कितना बेहूदा सा लगेगा। सब अपना अपना खाओ, कभी थोड़ी तुम्हारे पास। तो तब इस आधार पर जीव विरक्त विषयों से विरक्त होता है। किस आधार पर? इस आधार पर। और जब तक जीव ने इस आधार को नहीं खोजा, तब तक उसकी विरक्तता खोटी। बराबर। तो पांच इंद्रियों के विषयों के लिए जीव का निरंतर प्रयास चलता रहता है, और पांच इंद्रियों के विषयों का जो निरंतर प्रयास है, वो निरंतर प्रयास का कारण
यही है कि अपने सुख को नहीं पहचान पा रहा, इसीलिए बाहर में खोज रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखो एक बार, तो पांच इंद्रिय और मन इनको अपन ने ठिकाने लगा दिया और बोला कि भैया तू सुख के लिए बाहर जा रहा है, तो सुख में जाता क्यों जबकि तेरे पास सुख का भंडार बड़ा। दूसरे नंबर पे सट काय के जीवों की हिंसा का त्याग। सट काय मतलब क्या होता है? छ काय मतलब श्वेतांबर का तो बड़ा प्रसिद्ध, छ काय नहीं हिंसा है। दिनेश भाई खुशी बहन समझ रहे होंगे, छह काय नहीं हिंसा मतलब क्या होता है? बोलो खुशी बहन। सर अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक। यू त्रस नदी छठो थे एटो त्रस छठो थे। मारो प्रश्न अहियाँ थी, तमे मारो प्रश्न ज खतम करी ना आवो उत्तर आती ना। मारा प्रश्न यहाँ तो है माँ कि ये एक इंद्री माटे पांच जग्या आपी अने बाकी बता ने एक मां गणी ली दू, आवो अन्याय केम करे? ख्याल में आवे छे कि नहीं? आ प्रश्न ख्याल में? छ काय नी हिंसा से विरक्त होना छठ काय। तो एक सिंपल लॉजिक से अपन बात करें तो क्या कहते हैं, 20-20 मतलब 80% क्या कहते हैं, ये छह काय हुआ ना तो 16 छक्का छह, मतलब 80 से ज्यादा 85% तक 84% तक वेटेज दिया एक इंद्री को, और बेचारे त्रस को किसमें रख दिया? 1/6 तो एक इंद्री को। ऐसा क्यों हुआ? हमको अल्पमत में क्यों डाल दिया भैया? कारण जीव उतना ज्यादा। हाँ बोलो बोलो दिनेश भाई बोलो। अच्छी खुशी बहन क्या है? पांच एक इंद्रिय ना पांच नो तो जीवों नो टोटल करिए इतनो ना ना ये टोटलिटी की बात नहीं। बोलो खुशी। हाँ बोलो। तब माइनॉरिटी मारी क्या? माइनॉरिटी मारी क्या तब? તમે આપણે બધા માઇનોરિટી માં આવી ગયા, તો આપણે હવે હવે એના ઉપર PIL દાખલ કરીશું, અમને આ માઇનોરિટી માં કેમ રાખવું? અમને મેજોરિટી જોઈએ છે। બોલો સર, આપણા જીવન નિર્વાહ માટે આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરી છીએ એમાં આ બધી વસ્તુઓ માં, પહેલી વસ્તુ તો જીવ હોય છે એ જ નથી ખબર હોતી, ને આ બધી વસ્તુઓનો બગાડ થતો હોય છે। મુદ્દાની વાત એટલી જ છે, થોડોક નજીક પહોંચ્યા છે, થોડી વાર પછી એમને ખબર આવી જશે કે ભાઈ આ કોના માટે છે, આ વાત વિરતિ અવિરતિ કોને થશે? જે જેની હોય, હવે તમે મને કહો કે આપણે જીવા જેની હોય, એક કીડી દેખાતી હોય તો પાણી ઢોળવાનો આપણો જીવ ચાલે? એટલે કહેવાનો મતલબ સિમ્પલ છે કે જેનોનો જીવન એવો આચાર્ય માને છે કે ત્રસ હિંસા તો એમ જ કરતો નથી। ખબર પડી શું? ત્રસ હિંસા તો એમ જ કરતો ના હોય તો, જેમ કે હોય ને, તમે કોઈ એક્ઝામ આપવું હોય, જેમ કે તત્વજ્ઞાન નો સેમિસ્ટર બીજા નો એક્ઝામ આપવું હોય, તમને જે ચેપ્ટર તમને આવડતા હોય તો એનો રિવિઝન થોડી કરશો, જે નહીં આવડતા હોય એના ઉપર ફોકસ કરશો। બરાબર? તો આ પાંચ કેવા છે? આપણા ફોકસ્ડ એરિયા। આચાર્યો કો એસા ભરોસા હે થા, અબ રહેગા ભી તો હમ ક્યા કહે, કિતના ભવિષ્ય પહોંચેગા, કહાં પહોંચેગા, લેકિન ઇતના જરૂર આચાર્યો કો ભરોસા થા કે યે જૈન કુલ મેં જન્મ લેને વાલા જીવ સીધે સીધે ત્રસ જીવો કા ઘાત તો નહીં કરેગા, લેકિન આચાર્ય ઉસકો આપકો ઉસમે અટકાના નહીં ચાહતે, वो आपको नया सिलेबस दे देते, भैया तूने त्रस जीवों का घात तो पहले ही छोड़ दिया, तो अब तू हम छाती चौड़ी करके मत घूमना कि मैं कोई पाप नहीं करता। देख, तेरा जीवन के निर्वाह के लिए जल अग्नि वायु वनस्पति पृथ्वी ये पांचों का तू उपभोग करता है, और इनमें भी जीव हैं। तो ये कहकर मेनली फोकस्ड एरिया बता रहे कि इसमें तो तुम करते ही नहीं होगे, अगर करते हो तो समझ जाना। एक स्थान क्यों दिया? बोले एक भी नहीं देते तो लोग उल्टी गणित लगा लेते,
बोल देंगे त्रस की हिंसा में तो हिंसा होती नहीं है, स्थावर की हिंसा हिंसा होती, ऐसी उल्टी गणित लगा लेते। तो त्रस को रखा तो लेकिन हम पर भरोसा भी रखा और ये बोला कि त्रस को तो मारेगा ही नहीं, लेकिन हाँ स्थावर में अभी इसका भरोसा नहीं है, स्थावर में इसके लिए थोड़ा तकलीफ है। हम खुद अपना जीवन देखें तो पानी का कितना बिगाड़ करते हैं, अग्नि का कितना बिगाड़ करते हैं, वनस्पति का क्या बिगाड़ करते हैं, तो ये भी चीजें दोष रूप हैं, तो इनका भी निवारण होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए आचार्यों ने अविरति के भेदों में पांच स्थावर की हिंसा ए पांच और बाकी सारे जो है दो इंद्री तीन इंद्री चौ इंद्री पंचेंद्री सहनी अशहनी जलचर थलचर नवचर ये सबको एक में रख। लेकिन अब दूसरी बात, यहां भले पांच को ज्यादा वजन दिया है लेकिन हिंसा किसको करने में ज्यादा होती है? एक इंद्री को कि त्रस को? बोलो, पाप का बंधन किसमें ज्यादा है? त्रस को। त्रस को कैसा परसेंटेज है समझ लो, पांच स्थावरों से ज्यादा द्विइंद्री के घात में पाप लगता है, द्विइंद्री से ज्यादा त्रिइंद्री के घात, तीन से चार, चार से पांच, पांच से सैनी, सैनी सैनी में भी फिर मनुष्य, मनुष्य में भी फिर जैन, जैन में भी सबसे अधिक पाप अगर लगता है तो आत्मघात से पाप। ये प्रोपोर्शन है कि एक इंद्री की भी हिंसा हिंसा होती है और पंचेंद्री की भी हिंसा हिंसा होती है, बराबर। कई मुसलमान ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, पता है आपको, कि जब आप उनसे बोलोगे कि बकरी ईद पे बकरा क्यों काटते हो तो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर देते हैं और लोगों को भटका देते हैं। फिर तुम्हारे यहाँ पे भी तो गेहूं में जीव माने गए, सब्जी में जीव माने गए, तो तुम सब्जी खाते हो तुम और इतने सारे जीवों को मारते हो, तो एक ही जीव को मार रहे, ऐसे आर्गुमेंट। मेरे पास एक व्यक्ति का रोते रोते फोन आया था इस बार, इसीलिए मैं ये बात को बहुत सावधानी से कहता। वो रोते रोते वो आलू खाता था, जैन था, बोलते यार मुझे पता है मैं गलती करता हूँ लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि जो नॉनवेज खाते हैं उससे बड़ा मैं दोषी हो गया? क्योंकि मेरे एक मुसलमान दोस्त ने मेरे से बोला कि तुम भी कोई सीधे नहीं हो, तुम अनंत जीवों को मारते, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, हम तो एक ही जीव को मार के खा रहे। तो मैंने उसको बताया, देख तू दो को समझ, तू एक जीव को एक जीव, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो एक जीव को गिन रहा है अपने धर्म के हिसाब से और हमको गिन रहा है हमारे धर्म के हिसाब से। तो अगर तुझे विज्ञान के हिसाब से दिखना है तो ये आलू तो जीव ही नहीं है, वनस्पति है, ये तो बॉटनी सिलेबस के अंतर्गत आता है, जूलॉजी में नहीं आता। समझ में आता है कि वनस्पति है जीव नहीं है। और अगर तू जैन धर्म की गणित लगाएगा तो जैन धर्म में अगर आलू में अनंत जीव है तो मांस में एक जीव नहीं, मांस में उसी जाति के अनंत अनंत जीव। तो अगर तू एक बकरे को खा रहा है तो एक बकरे का खाने का दोष नहीं लग रहा तुझे, अनंत बकरों का, तो तू कोई एक जगह चल, दो घोड़े की सवारी मत कर। गणित में विज्ञान बॉटनी हो जाएगा और गणित में जैन ही हो जाएगा। अगर जैन लगाना है तो कंप्लीटली लगा दो या फिर कंप्लीटली में करो। तो उसे थोड़ा संतोष हुआ और फिर जाके उसने उसको बोला, फिर क्या हुआ उसने मुझे बताया नहीं, अगर आएगा तो फिर वो मैं आपको बताऊं। समझ आया? तो कहने का मतलब ये एक प्रपोर्शन समझना कि यहाँ पर भले ही पांच को हाईलाइट किया है लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि हमारे जीवन में सामान्यतया हम लोग त्रस जीवों का घात नहीं करते, ऐसी आचार्य को हमारे ऊपर विश्वास है। तो हमारा कोर एरिया बताने के लिए वो हमें क्या कहते हैं कि भाई तुम इनका तो करते ही नहीं हो, पांच स्थावर में भी कंट्रोल कर लो तो तुम्हारा निर्दोष जीवन हो जाएगा। लेकिन प्रपोर्शन वाइज अगर देखोगे तो एक इंद्री से द्विइंद्री, द्विइंद्री से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से सैनी, सैनी से मनुष्य, मनुष्य में जैन, जैन से भी ज्यादा पाप किसमें लगता है? आत्मघात में लगता है। ये शास्त्रीय पाप का प्रपोर्शन है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो छह प्रकार, इनसे दूर होना उसे कहा जाता है 12 प्रकार की अविरति। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं,
तीसरे नंबर का बंधन का कारण है प्रमाद, बराबर। बोले हाँ पंडित जी, प्रमाद तो बहुत खतरनाक है, बराबर। ये तो देखो सुबह उठ के ऑफिस जाते ही नहीं है, प्रमादी होकर सोते रहते हैं, बराबर। रात को भी कहीं पिक्चर देखने नहीं जाते, प्रमादी होकर सो जाते हैं, बराबर। लोगों की दृष्टि में सोना प्रमाद है और कमाने के लिए 16 घंटे दौड़ना मेहनत, बराबर ना। माइके लाल की हिम्मत नहीं है जो 16 घंटे आजीविका के लिए काम करे और सामने वाले उसे कहते तू आलसू। किसी माइके लाल में ऐसी हिम्मत नहीं, क्योंकि दिमाग में ही लगा है ना कि प्रमाद मतलब सोना, और जो सोता है वो प्रमादी, और जो दौड़ता है वो घोड़ा, घोड़ा नहीं गधा। समझ में आया कि नहीं? प्रमादी है, यहाँ परिभाषा क्लियर है कि तुम आत्मा को छोड़कर अन्य कार्य में लग रहे हो, 16 घंटे अगर काम करो तो 16 घंटे के प्रमादी हो, 8 घंटे काम करो तो 8 घंटे के प्रमादी हो, और 24 घंटे धंधे पानी की आजीविका में लगे हो तो 24 घंटे के प्रमादी। तुम कहते हमने 24 घंटे के लिए 1 सेकंड आंख बंद नहीं की, आचार्य कह रहे तुमने आंख बंद भले ही नहीं की लेकिन तुम प्रमादी, क्योंकि यहाँ प्रमाद का मतलब सोना नहीं है, यहाँ प्रमाद का मतलब आत्म कल्याण के कार्य से दूर होना। बात समझ में आई, ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? आज के समय के लोग अगर सर्वार्थ सिद्धि के देवों को देखें तो उन्हें बहुत बड़ा प्रमादी कहें, क्यों? ये तो पुता नहीं जग्याती हलता है नहीं, अने एमनी दृष्टि में जाओ तो सवार 5 वागे उठीने मॉर्निंग वॉक करना रहा, जॉगिंग करना रहा, पछी जिम जाना रहा, पछी आखो दिवस देखे ना एनर्जेटिक, बहु लोग ने एनर्जेटिक शब्द कोई बोले आहा बहु एनर्जेटिक, एटलू गमे हम मैं एनर्जेटिक। अरे भाई तमे एनर्जेटिक छो, पण साचा एनर्जेटिक तो अनंत भगवान ने सिद्ध भगवान छे अनंत वीर, अने इमना तो प्रदेश पण हलता नथी। एनर्जी कोने कही? तमारी जेम बधी जगह दौड़ 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 करी एने एनर्जी कही, एक जगह अस्थिर थई जई एनर्जी कही एने एनर्जी। ख्याल में आवे छे कि नहीं? એટલે લોકોને ખબર નથી પ્રમાદ કોને કહેવાય। સુવાનું નામ પ્રમાદ નથી ભાઈ, ધન માટે દોડવાનું, ભોગ માટે ગાંડા થવાનું એનું નામ પણ પ્રમાદ છે, તમે નક્કી કરો। માતા રાત કો બેટે કી તબિયત ખરાબ હૈ ઓર બેટે કી દેખરેખ મેં 1 સેકન્ડ કે લિયે નહીં સોઈ, બાર બાર માથે પે પટ્ટી રખ રહી હૈ, બાર બાર પેર દબા રહી હૈ, 5 મિનિટ की नींद नहीं ली, सब कह गया ओ हो देखो माता कितनी मेहनती है, कितनी पुरुषार्थी है। दिनवाणी कह रही प्रमादी है। क्या है? प्रमादी है, स्नेह रूप प्रमाद में पड़ी, भोगों